बस वही रोग है जान का, और है ना। हाँ बताएं, पार्सल कुरियर कर दिया? वो तो मैंने उसी वक्त कर दिया था, अब तक तो मिल भी गया होगा। भाई बात इतनी सी है मिस्टर शाहरुख, क्या आपकी होने वाली दुल्हन मिस मोना को अब आपसे शर्म आने लगी है? एटम आप भी ना। डैड, सना वही लड़की है जिसकी वजह से आपकी और मेरे बीच आई हुई गलतफहमियां दूर हो। डैड, अरे तुम्हें हिना का तो पता ही है ना, उसकी बड़ी बहन है मोना, मैं उसके लिए जा रही हूँ। ये क्या बात है, चाहत हिना से शादी मोना से? बैकअप के बाद और भी काफी काम होते हैं, आप एक्टर्स लोग तो सीन रिकॉर्ड करवाने के बाद फ्री हो जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर को एडिटिंग के साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है। दरअसल मेरा और मोना का ख्याल था कि टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जाए, मगर भाई आपने तो ठीक सोचा, मगर अब हालात कुछ और रुख इख्तियार कर चुके हैं। अम्मी नहीं आई अभी तक। बड़ी बेचैनी हो रही है आंटी की ना आने की। बेचैनी नहीं यार, फिक्रमंद हूँ अम्मी के लिए, कुछ दिनों से ना अम्मी के घुटनों में दर्द होने लगा है। औलाद की शादी का मामला हो तो माँ की बीमारी अपने आप वफा इख्तियार कर लेती है। माना आंटी के जोड़ों में दर्द है, लेकिन एक बार अगर शादी मंजूर हो गई तो वो कभी शिकायत नहीं करेंगी। वो कैसे मंजूर नहीं होगा? हाँ भाई, मंजूर कैसे नहीं होगा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी। वैसे मोना भाभी हैं कैसे? बड़ा ख्याल करने वाली, बहुत सुलझी हुई लड़की है वो। मतलब खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत क्यों नहीं है, मोना की तो आदमी आंखों में देखे ना तो उस पे जादू तारी हो जाता है। वाह वाह, तो शाहरुख मियां मोना भाभी की बड़ी बड़ी आंखों का शिकार हुए। अब चाय पियोगे? मेरा तो बड़ा दिल हो रहा है यार, तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ मैं। चाय छोड़ो, इश्क की कहानी कंटिन्यू करो। सुना है भाभी की छोटी बहन थी वो? थी नहीं, थे वो। सारी बातें इधर ही कर लो, तुम्हारे कमरे में भी करते हैं। कि तुम्हारा इश्क सादिक है या मेरी चाहत खालिस। बहरहाल जो भी है, अब हम उस रिश्ते से जुड़ चुके हैं जो तुम्हारा ख्वाब था। छूटे थे समीर तुम भी और तुम्हारे ख्वाब भी। कहाँ रह गए थे समीर, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा 2-3 घंटे इंतजार करने में ही तुम्हारी जान निकल गई, अगर पूरी उम्र इंतजार करना पड़े फिर? कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे लौट कर आने की खबर तो हो ना। तुम्हें तो मालूम था कि मैं मॉम को डॉक्यूमेंट देने के लिए गया था, वो भी तुम्हारी तरह बहुत खुश हो रही थी। खोई हुई चीज जब वापस मिलती है तो खुशी तो होती है ना। लेकिन तुम्हारे लिए तो डबल खुशी की बात है। वो कैसे? वो घर मॉम तुम्हारे नाम कर रही है। बिल्कुल नहीं, इस बात पर आंटी से मेरा झगड़ा हो जाएगा। अगर शादी का गिफ्ट देना है तो कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, ये क्या हिना की खैरात मेरी झोली में डाल रही है। हिना से तो ताल्लुक मेरा भी रहा है, तो मुझसे शादी की खुशी क्यों? हिना से पहले तो मेरे थे समीर, वो तो अचानक दरमियान में आ गई थी, और वैसे भी दो प्यार करने वालों के दरमियान जब कोई आता है तो कुदरत उसे खुद एक तरफ कर देती है। ये बात तुम्हें खुद मॉम को कहनी होगी, ये बात मैंने उनके आगे रखी थी कि तुम इस घर को किसी सूरत कबूल नहीं करोगी। ठीक है, मैं आंटी से खुद बात कर लेती हूँ। हेलो आंटी। जी मैं ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसी हैं? आंटी आपसे एक शिकवा है मुझे। ठीक है,
मैं समीर से कह देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्र है आंटी को मेरी फीलिंग्स का एहसास तो हुआ। वो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है तुम्हारी। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी मेरी हेट स्टोरी। क्या मतलब? बेशक मोना ने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके साथ शादी की एक और वजह भी है। वो क्या? हिना को पल पल एहसास से जुर्म याद दिलाना। जैसे उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, अब मेरी बारी है उसका मजाक उड़ाने की। बहुत बुरी बात है शाहरुख। कुछ भी हो वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब रही है ना, इसलिए नफरत की आग हद से ज्यादा महसूस करने लगा हूँ दिल में। बहुत बुरी बात है शाहरुख। तुम मेरी मानो अपनी तमाम तर तवज्जो मोना पे रखो, वरना खुदा ना खास्ता तुम्हारी शादी के बाद ताल्लुकात में कोई खराबी पैदा होगी तो। होती है तो होती रहे। देखो शाहरुख, हिना के साथ जो होना था हो चुका, लेकिन तुम क्यों अपनी जिंदगी को अजाब बनाने पर तुले बैठे हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जब इंसान खुद ही दुरुस्त रास्ता ठुकरा दे, उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वरना मैं भी तो हूँ, मेरी भी यास्मीन ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया और आपने शायरी में पनाह ढूंढ ली। मेरे पास कोई पनाह गा नहीं सवाई हिना से नफरत के। अब आप शाहरुख साहब का नाम मत लिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पगली, अब उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ने वाला है और तुम्हें उसका नाम ही अच्छा नहीं लगा। जिसे सारे बुला डाले, मोहब्बत उसे याद रखती है। बिल्कुल शाहरुख, याद कर लिया तुम्हारी सलमा ने। क्या क्या मतलब, वो मोटी भैंस फिर आ गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह वाह भाई, क्या लजीज बिरयानी बनाई है तुमने। शाहरुख खाएगा ना तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब चाय पियेंगे? अब चाय बनाऊं आपके लिए? देखो भाई, शर्मा कर बात को चाय में मत घोलो चीनी की तरह। हम बाप बेटी के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं। वो आप शाहरुख साहब का नाम मत लिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पगली, अब उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ने वाला है और तुम्हें उसका नाम ही अच्छा नहीं लगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो शाहरुख की माँ तो निकाह के लिए जिद कर रही थी, मैंने ही मुन्नी का बहाना करके थोड़ा सा वक्त ले लिया। भाई 2-4 महीने तो चाहिए ना मैं शादी की तैयारी के लिए। वैसे भी निकाह के बाद लड़के वालों को बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे आप मुनासिब समझे अबू, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा ये बताएं कि अम्मी आ रही है ना? हाँ कहा तो है, तबीयत संभल गई तो आ जाएगी। तो अबू आप जाके अम्मी को ले आइए ना, अगर अम्मी की तबीयत ठीक हो भी गई तब भी इतना तवील सफर कैसे अकेले तय करेंगे? तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी माँ है तो मेरी बीवी भी है। बस यह ट्रेन के बजाय जहाज का टिकट भिजवा दूंगा, जितनी देर में तुम ऑफिस नहीं पहुंचती हो मुन्नी यहाँ पहुंच जाएगी। चलो खाना खाओ, आज तो तुमने बहुत ही लजीज बिरयानी बनाई है। बेटा तुम्हें केबिन खुलवा दूं? हाँ हाँ, अपनी आमदनी होगी, किसी की नौकरी नहीं। अब आप भी ना इसी तरह बिजनेस शुरू करते हैं। मोना बाजी आप यहाँ खड़ी नहीं है,
मैंने पूरे घर में आपको ढूंढ लिया। मुन्ना बाजी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है सारे काम साइड पे रख के बस सो जाऊं। समझ नहीं आता, रूटीन वर्क होने के बावजूद भी तुम थक जाती हो, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदत हो जानी चाहिए मुझे तो। मैं तो सोच रही हूँ कि दो चार पड़ोस के घर भी ढूंढ लूँ, जाके मदद कर दिया करूंगी सबकी। क्या हो गया है तुम्हें, इतने गुस्से में क्यों हो, खैरियत तो है ना? आप जली कुटी बातें करेंगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। एक तो आपकी सास की खिदमत करो, ऊपर से आपकी बातें भी सुनो। एक कप चाय बना के तुमने कोई एहसान नहीं कर दिया है। क्या सिर्फ एक कप चाय? किचन में झांक के देखा है आपने मुझे कितना सारा खाना पकाना पड़ा, और तो और शाहरुख अंकल के लिए पार्सल दे के भी भेजा है मैंने। तो इसमें क्या ऐसी बात है भाई, जिसके नसीब का होता है उस तक पहुंच ही जाता है, और अच्छा हुआ कि तुमने बना के भेजा। वैसे सुना है कि शाहरुख साहब का कोई फ्रेंड आया हुआ है मलेशिया से। तो मुझे क्यों बता रही हैं आप? भाई तुम्हें बताकर खबरदार कर रही हूँ, हो सकता है कि उनका फ्रेंड तुम्हारे हाथ के बने मजेदार खाने खाकर शादी करने को राजी हो जाए। तो तुम्हें क्या लगता है अब्बू ने तुमसे ऐसी कहते कि खाना पैक कर दो? बेटा तुम्हारे हाथ के सैंपल भिजवाए उन्होंने जायका चेक करने के लिए। दिमाग तो ठीक है आपका, अब्बू से तो मैं खुद बात कर लूंगी, लेकिन आप कान खोल के सुन लें, मेरा अभी दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। खुदा खुदा करके तो फाद मिला है मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा की कसम मुना आप ही, गलती से फाद का नाम आ गया था मुंह पर, मैं तो ड्रामे का ही बोलने वाली थी। रहनी दो, सब समझती हूँ मैं, जो दिल में होता है ना वही जबान पे भी आता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। आगे सुनिए नुकर। मोहब्बत मशवरों पंदों नसीहत और तावीलों के ताबे तो नहीं होती, मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है। बाबा किसे आंखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है। सफर की हर सोबत और तमाजत याद रखती है, जिसे सारे भुला दें मोहब्बत याद रखती है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है नबील साहब आपने, जिसे सारे बुला डाले मोहब्बत उसे याद रखती है। बिल्कुल चारू, याद कर लिया तुम्हारी सलमा ने। क्या क्या मतलब, वो मोटी मैच फिर आ गई है? अरे आई नहीं है, उसकी शादी की दावत आई है हैदराबाद से। ओ गॉड, मतलब मैं भी जाऊंगा शादी पे? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं भाई, उसका कोई भरोसा नहीं है, ऐन निकाह के वक्त वो गले पड़ सकती है मेरे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो राजी खुशी शादी कर रही है, और तुम्हारी खाला ने तुम्हें बुलवाया है। अम्मी खाला जान को मैं बाद में मना लूंगा, एक मरतबा सलमा की शादी होने दे, मैं खुद हैदराबाद जाऊंगा खाला जान को मुबारकबाद देने। मतलब तुम शादी पे नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं यार, अल्लाह अल्लाह करके तो जान छूटी है उससे। तो ठीक है, मुझे तो जाना पड़ेगा ना भाई, मेरी भांजी है, मैं जरा तैयारी कर लूँ, सुबह ही सुबह निकलना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल अम्मी जान, आप जाके तैयारी कीजिए। हाय, जिसे सारे बुला डाले मोहब्बत उसे याद रखती है। बिल्कुल नया हो जाए। कौन अर्ज किया है? सोराब गोर तक जाकर ऑफिस आते आते थकन हो गई है। वहाँ क्यों गए थे आप, खैरियत तो है? अम्मी को हैदराबाद वाली बस पे बिठाने गया था, सलमा की शादी हो रही है ना इसलिए। या खुदा तू ही मुना बाजी को अकले सलीम अता फरमा। अरे यही दुआ तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। काम की टेंशन या सना की टेंशन? डैड मेरा मशवरा है कि तुम सना से शादी कर लो। या खुदा तू ही मुना बाजी को अकले सलीम अता फरमा। अरे यही दुआ तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। भाई मैं तो बचपन से ही जहीन हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जाके किसी से भी पूछ सकती हैं। अरे चलो फिर मिलाओ फोन, फहद से अभी पूछ लेते हैं। क्या है मुना आपी, ये आपकी सुई फहद पर आके क्यों अटक जाती है? अच्छा चलो फिर खामोश हो जाती हूँ। वैसे मुना आपी आप हैं बहुत चालाक, मैं आपको बहुत शरीफ समझती थी। अरे वो कैसे? बात आपकी पक्की हुई, इससे पहले कि मैं आपको शाहरुख अंकल के नाम से तंग करती आपने सोचा सना को ही उलझा दो। अब वक्त गुजर गया,
अच्छा ऐसे कैसे गुजर गया भाई? बताएं शाहरुख अंकल से आंखें चार हुई ऑफिस में या नहीं? सना चुप हो जाओ। शाहरुख साहब एक बात बताऊं आपको, हर शादीशुदा मर्द की यही कहानी है। वेद भाई अच्छी सी चाय भिजवा दीजिए। ठीक है शाहरुख साहब अभी भिजवाता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मुन्ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। तबीयत तो ठीक है यार, बस थोड़ा थक गया। अरे भाई पूरा दिन पड़ा है और आप अभी से थक गए, आखिर वजह क्या है? सौरभ गोर तक जाकर ऑफिस आते आते थकन हो गई। वहाँ क्यों गए थे आप? खैरियत तो है? अम्मी को हैदराबाद वाली बस पे बिठाने गया था, सलमा की शादी हो रही है ना इसलिए। ये सलमा वही है ना जो आपकी कजन है और काफी अरसे तक आपके घर पे मेहमान भी रही है? हाँ भाई। तो उसने इस तरह आपसे इंतकाम लेने का सोचा? कैसे इंतकाम? वो इस तरह के हमारी तो बात तय हो चुकी है, तो उसने सोचा कि एक कदम आगे बढ़ के हमसे पहले शादी कर ले। यार तुम लड़कियां भी ना अपनी तरफ से कहानियां गढ़ लेती हो। उसको तो खबर भी नहीं है कि हमारी बात पक्की हो चुकी है। और खबर हो भी कैसे, कल रात को ही तो हमारी बात पक्की हुई है। और उसी रात सलमा की शादी की दावत आ गई, ठीक कहा ना मैंने? हाँ मगर तुम्हें ये सब किसने बताया? आपने। मैंने कब तुम्हें बताया? भाई आप ही तो कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी खबर दिल पे दस्तक की तरह आती है। हाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हें सलमा से मोहब्बत हो गई। मेरे ख्याल से आपको वाकई में एक चाय की जरूरत है। अच्छी सी? नहीं बुरी सी। सब मालूम है मोना कि मेरी खबरें तुम्हारे दिल पर दस्तक की तरह क्यों उतरने लगी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। हाँ अभी तो 3-4 सीरियल और मेरे पाइपलाइन में है, बल्कि एक पर तो वो बात काम भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डैड। हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके आओ फहद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी डैड मुझे पता है कि आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। चैनल से डील डन हो गई और नेक्स्ट मंथ से ऑन ईयर की डेट दे दी। नेक्स्ट मंथ की डेट? अरे अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। डैड आपने काम को खुद ही सर पे सवार कर रखा, वरना शादी की छुट्टियां तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। मेरी कौन सी पहली शादी है जो मैं उसके शौक में सब कुछ भूल जाऊंगा? डैड शादी तो शादी है ना, पर काम की टेंशन आप मुझ पे छोड़। काम की टेंशन या सना की टेंशन? डैड मेरा मशवरा है कि तुम सना से शादी कर लो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी। आपको कोई गलत फहमी हुई, उसकी आदत है वो हर किसी के साथ यूं ही हंसती खेलती रहती है और किसी की फितरत को मोहब्बत नहीं समझा जाता। फहद मैं तुम्हारा बाप ही नहीं हूं बल्कि ड्रामा डायरेक्टर भी। सारी जिंदगी मैंने लोगों के चेहरे पढ़े, बल्कि मैं तो गुफ्तगू करने वाले के दिल का हाल भी जान लेता हूं। लेकिन मेरी शादी कोई ड्रामा या फिल्म नहीं कि कोई भी लड़की मिल जाए उससे मुझे प्यार हो जाए और फिर हमारी शादी। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में सना की कोई जगह नहीं? नहीं डैड, मैंने ऐसा कब कहा, वो अच्छी लड़की है, मेरी अच्छी दोस्त। तो फिर इस दोस्ती को शादी के रिश्ते में बदल दो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। ये कोई ड्रामे का डायलॉग नहीं है बल्कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है। चले डैड इस बात को वक्त के हवाले कर देते हैं। काम अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ, वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है।
तुम्हारा काम ऑन एयर जा रहा है नेक्स्ट मंथ। वाकई मैडम को बताने की क्या जरूरत थी, पता है वो मुझ पे कितना गुस्सा कर रही थी। अब मैडम से छुपाने को कोई फायदा भी नहीं था, वैसे भी उन्हें हर बात तो मालूम है। असल में सना, फहा से तुम्हारा काम के सिलसिले में वास्ता पड़ना शुरू हुआ है। जब वो काम करता है तो बहुत संजीदा हो जाता है, यूं लगता है कि जैसे वो गुस्से में। अंकल गुस्से और संजीदगी का फर्क तो मुझे भी मालूम है बहुत अच्छी तरह से, और मैं तो हमेशा ही उससे मजाक करती रही हूँ, उसे कभी इतना बुरा नहीं लगा। पहली बात तो ये सॉरी, मुझे तो तुम इस घर में ना अजनबी लग रहे हो, और रही मेरी बात तो मैं खिड़की दरवाजे के खुलने के कोई मोहताज नहीं हूँ, अगर गेट बंद भी होता है ना तो मैं दीवार कूद कर आ जाती हूँ। सूरत क्यों नहीं है? मुना की तो आदमी आंखों में देखे ना तो उस पे जादू तारी हो जाता। वाह वाह, तो शाहरुख मियां मुना भाभी की बड़ी बड़ी आंखों का शिकार हुए। अब चाय पियोगे? मेरा तो बड़ा दिल हो रहा है यार, तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ मैं। चाय छोड़ो, इश्क की कहानी कंटिन्यू करो। सुना है भाभी की छोटी बहन थी वो? थी नहीं, थे वो। सारी बातें इधर ही कर लो, तुम्हारे कमरे में भी करते हैं। हिना, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा इश्क सादिक है या मेरी चाहत खालिस। बहरहाल जो भी है, अब हम उस रिश्ते से जुड़ चुके हैं जो तुम्हारा ख्वाब था। झूठे थे समीर तुम भी और तुम्हारे ख्वाब भी। कहाँ रह गए थे समीर, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा 2-3 घंटे इंतजार करने में ही तुम्हारी जान निकल गई, अगर पूरी उम्र इंतजार करना पड़े फिर। कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे लौट कर आने की खबर तो हो ना। तुम्हें तो मालूम था कि मैं मॉम को डॉक्यूमेंट देने के लिए गया था, वो भी तुम्हारी तरह बहुत खुश हो रही थी। खोई हुई चीज जब वापस मिलती है तो खुशी तो होती है ना। लेकिन तुम्हारे लिए तो डबल खुशी की बात है। वो कैसे? वो घर मॉम तुम्हारे नाम कर रही है। बिल्कुल नहीं, इस बात पर आंटी से मेरा झगड़ा हो जाएगा। अगर शादी का गिफ्ट देना है तो कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, ये क्या हिना की खैरात मेरी झोली में डाल रही है। हिना से तो ताल्लुक मेरा भी रहा है, तो मुझसे शादी की खुशी क्यों? हिना से पहले तुम मेरे थे समीर, वो तो अचानक दरमियान में आ गई थी, और वैसे भी दो प्यार करने वालों के दरमियान जब कोई आता है तो कुदरत उसे खुद एक तरफ कर देती है। ये बात तुम्हें खुद मॉम को कहनी होगी। ये बात मैंने उनके आगे रखी थी कि तुम इस घर को किसी सूरत कबूल नहीं करोगी। ठीक है, मैं आंटी से खुद बात कर लेती हूँ। हेलो आंटी। जी मैं ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसी हैं? आंटी आपसे एक शिकवा है मुझे। ठीक है, मैं समीर से कह देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।
शुक्र है आंटी को मेरी फीलिंग्स का एहसास तो हुआ। वो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है तुम्हारी। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी मेरी हेट स्टोरी। क्या मतलब? बेशक मोना ने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया लेकिन उसके साथ शादी की एक और वजह भी है। वो क्या? हिना को पल पल एहसास जुर्म याद दिलाना। जैसे उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था अब मेरी बारी है उसका मजाक उड़ाने की। बहुत बुरी बात है शाहरुख। कुछ भी हो वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब रही है ना। इसलिए नफरत की आग हद से ज्यादा महसूस करने लगा दिल में। बहुत बुरी बात है शाहरुख। तुम मेरी मानो अपनी तमाम तर तवज्जो मोना पे रखो वरना खुदा ना खास्ता तुम्हारी शादी के बाद ताल्लुकात में कोई खराबी पैदा होगी तो। होती है तो होती रहे। देखो शाहरुख हिना के साथ जो होना था हो चुका लेकिन तुम क्यों अपनी जिंदगी को अजाब बनाने पर तुले बैठे हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जब इंसान खुद ही दुरुस्त रास्ता ठुकरा दे उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वरना मैं भी तो हूँ। मेरी भी यास्मीन ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया और आपने शायरी में पनाह ढूंढ ली। मेरे पास कोई पनाहगाह नहीं सवाल हिना से नफरत के। अब आप शाहरुख साहब का नाम मत लिया करें मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पगली अब उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने वाला है और तुम्हें उसका नाम ही अच्छा नहीं लगता। जिसे सारे बुला डाले मोहब्बत उसे याद रखती है। बिल्कुल शाहरुख याद कर लिया तुम्हारी सलमा ने। क्या, क्या मतलब वो मोटी भैंस फिर आ गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह वाह भाई क्या लजीज बिरयानी बनाई है तुमने। शाहरुख खाएगा ना तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब वो चाय पियेंगे? अब चाय बनाऊं आपके लिए? देखो भाई शर्मा कर बात को चाय में मत घोलो चीनी की तरह। हम बाप बेटी के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं। अब आप शाहरुख साहब का नाम मत लिया करें मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पगली अब उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ने वाला है और तुम्हें उसका नाम ही अच्छा नहीं लगा। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। आपको शाहरुख की माँ तो निकाह के लिए जिद कर रही थी। मैंने ही मुन्नी का बहाना करके थोड़ा सा वक्त ले लिया। भाई 2-4 महीने तो चाहिए ना मैं शादी की तैयारी के लिए। वैसे भी निकाह के बाद लड़के वालों को बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे आप मुनासिब समझे अबू मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा ये बताएं कि अम्मी आ रही है ना? हाँ कहा तो है तबीयत संभल गई तो आ जाएगी। तो अबू आप जाके अम्मी को ले आइए ना। अगर अम्मी की तबीयत ठीक हो भी गई तब भी इतना तवील सफर कैसे अकेले तय करेंगी? तुम फिक्र मत करो वो तुम्हारी माँ है तो मेरी बीवी भी है। बस यह ट्रेन के बजाय जहाज का टिकट भिजवा दूंगा। जितनी देर में तुम ऑफिस नहीं पहुंचती हो मुन्नी यहाँ पहुंच जाएगी। चलो खाना खाओ आज तो तुमने बहुत ही लजीज बिरयानी बनाई है। बेटा तुम्हें केबिन खुलवा दूं? हाँ हाँ अपनी आमदनी होगी किसी की नौकरी नहीं। अब आप भी ना इसी तरह बिजनेस शुरू करते हैं। मोना बाजी आप यहाँ खड़ी नहीं है मैंने पूरे घर में आपको ढूंढ लिया।
मुना बाजी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है सारे काम साइड पे रख के बस सो जाऊं। समझ नहीं आता, रूटीन वर्क होने के बावजूद भी तुम थक जाती हो, तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदत हो जानी चाहिए मुझे तो। मैं तो सोच रही हूँ कि दो चार पड़ोस के घर भी ढूंढ लूँ, जाके मदद कर दिया करूंगी सबकी। क्या हो गया है तुम्हें, इतने गुस्से में क्यों हो, खैरियत तो है ना? आप जली कुटी बातें करेंगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना। एक तो आपकी सास की खिदमत करो, ऊपर से आपकी बातें भी सुनो। एक कप चाय बना के तुमने कोई एहसान नहीं कर दिया? क्या सिर्फ एक कप चाय? किचन में झांक के देखा है आपने मुझे कितना सारा खाना पकाना पड़ा, और तो और शाहरुख अंकल के लिए पार्सल देके भी भेजा है मैंने। तो इसमें क्या ऐसी बात है भाई, जिसके नसीब का होता है उस तक पहुंच ही जाता है, और अच्छा हुआ कि तुमने बना के भेजा। वैसे सुना है कि शाहरुख साहब का कोई फ्रेंड आया हुआ है मलेशिया से। तो मुझे क्यों बता रही हैं आप? भाई तुम्हें बताकर खबरदार कर रही हूँ, हो सकता है कि उनका फ्रेंड तुम्हारे हाथ के बने मजेदार खाने खाकर शादी करने को राजी हो जाए। तो तुम्हें क्या लगता है अब्बू ने तुमसे ऐसी कहते कि खाना पैक कर दो? बेटा तुम्हारे हाथ के सैंपल भिजवाए उन्होंने जायका चेक करने के लिए। दिमाग तो ठीक है आपका, अब्बू से तो मैं खुद बात कर लूंगी, लेकिन आप कान खोल के सुन लें, मेरा अभी दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। खुदा खुदा करके तो फाद मिला है मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा की कसम मुना आफिफ, गलती से फाद का नाम आ गया था मुँह पर, मैं तो ड्रामे का ही बोलने वाली थी। रहने दो, सब समझती हूँ मैं, जो दिल में होता है ना वही जबान पे भी आता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। आगे सुनिए मुकर्रर। मोहब्बत मशवरों पंदो नसीहत और तावीलों के ताबे तो नहीं होती। बस वही रोग है जान का, और है ना। हाँ बताएं, पार्सल कुरियर कर दिया? वो तो मैंने उसी वक्त कर दिया था, अब तक तो मिल भी गया होगा। भाई बात इतनी सी है मिस्टर शाहरुख, क्या आपकी होने वाली दुल्हन मिस मोना को अब आपसे शर्म आने लगी है? एटम आप भी ना। डैड, सना वही लड़की है जिसकी वजह से आपकी और मेरे बीच आई हुई गलतफहमियां दूर हो। डैड, अरे तुम्हें हिना का तो पता ही है ना, उसकी बड़ी बहन है मोना, मैं उसके लिए जा रही हूँ। ये क्या बात है, चाहत हिना से शादी मोना से? पैकअप के बाद और भी काफी काम होते हैं, आप एक्टर्स लोग तो सीन रिकॉर्ड करवाने के बाद फ्री हो जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर को एडिटिंग के साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है। दरअसल मेरा और मोना का ख्याल था कि टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जाए, मगर भाई आपने तो ठीक सोचा, मगर अब हालात कुछ और रुख इख्तियार कर चुके हैं। अम्मी नहीं आई अभी तक। बड़ी बेचैनी हो रही है आंटी के ना आने की। बेचैनी नहीं यार, फिक्रमंद हूँ अम्मी के लिए, कुछ दिनों से ना अम्मी के घुटनों में दर्द होने लगा है। औलाद की शादी का मामला हो तो माओ की बीमारी अपने आप वफा इख्तियार कर लेती है। माना आंटी के जोड़ों में दर्द है, लेकिन एक बार अगर शादी मंजूर हो गई तो वो कभी शिकायत नहीं करेंगी। वो कैसे मंजूर नहीं होगा? हाँ भाई मंजूर कैसे नहीं होगा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी। वैसे मोना भाभी हैं कैसे? बड़ा ख्याल करने वाली, बहुत सुलझी हुई लड़की है वो। मतलब खूबसूरत नहीं है?